स्वागत है सफर से सफलता तक में। मैं हूँ आपके एमआर मैम और आज हम बात करने वाले हैं अररिया जिला के एक सुदूर से क्षेत्र जो कि प्रॉपर गांव है, वहां से एक बच्चा आता है जिसका नाम है विवेकानंद कुमार। और वो बिना किसी सुविधा के अभी एग्जाम दिया है, 12th जो है पास किया है, फर्स्ट डिवीजन से पास किया है और कुछ सब्जेक्ट में उसके डिस्टिंक्शन मार्क्स भी हैं। तो हम आज उसी विवेकानंद से अपनी उसकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करा है और क्या उसके बैकग्राउंड है और उन्होंने किस हालात में रह के प्रिपरेशन करा है, उसके आगे क्या करने की इच्छा है, क्या फ्यूचर में बनना चाहता है और समाज के लिए वो क्या करना चाहता है। इन सबके साथ हम स्वागत करते हैं विवेकानंद कुमार का। वेलकम बेटा। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मैम विवेकानंद कुमार, इस बार मेरा 12th का एग्जाम हुआ है और फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। अच्छा, आप अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं। मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा हलवाई का काम करता है, शादी विवाह में अच्छा भोजन बनाने का कार्य करता है। और अच्छा हम टोटल 5 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं और 2 बहन हैं। एक भाई मेरा पार्ट टू में है, मतलब बीए पार्ट टू में, और एक कंप्यूटर पे काम करता है। ओके और मतलब आप 3 भाई हैं। हाँ मैम। चलिए, विवेकानंद 3 ब्रदर है, 3 भाई में से सबसे तीसरे नंबर पे आप हैं, नहीं, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे हैं। ओके, तो बड़ा भाई आपके पेट्रोल पे काम करते हैं, पेट्रोल पंप पे, और जो छोटा है बीए कर रहा है। तो जो बड़े भाई हैं वो भी कुछ पढ़े होंगे, हाँ मैम, इंटर तक पढ़े हुए हैं। इंटर तक पढ़े हैं। तो मतलब घर की जो स्थिति है वो पढ़ाई को लेकर के मतलब थोड़ा वो रहा है बैकग्राउंड की, इसीलिए बड़े भाई ज्यादा दूर तक नहीं पढ़ पाए। ओके, तो आप थोड़ा फादर फादर के बारे में तो आपने बताया। तो एक विवेक कुमार जो है, विवेकानंद जो है, वो एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आता है जिनके फादर जो है हलवाई हैं और हलवाई का काम करके अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सबका सम्मान है और सबका रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो इतनी मेहनत करके इनके पिताजी जो है वो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और बाकी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं कि वो इतनी मेहनत करके जब अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो बाकी पेरेंट्स जो नहीं पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, वो भी आगे आए और अपने बच्चों को एजुकेट करें, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे पूरी दुनिया जीती जा सकती है। विवेक से और सारी बातें हम जानेंगे आज। तो विवेक, आपने अपने बारे में बताया, आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, तो काफी ज्यादा मुश्किलों से सामना करके आप पढ़ रहे हैं। तो आप जो एग्जाम दिए हैं, तो आपका क्या शेड्यूल रहा है, कैसे पढ़ाई करते थे? मैम, हम कोई कोचिंग नहीं गए और घर में रह कर ही सेल्फ स्टडी किए। और हम डेली एक छोटा सा गोल बनाते थे कि आज मुझे क्या क्या करना है, तो उस गोल को कोशिश करते थे कि पूरा फॉलो हो, बट हो भी जाता तो मतलब था। आप छोटा छोटा टारगेट लेते थे कि कल मुझे इतना पढ़ाई करना है और फिर आप उस टारगेट को पूरा करते थे, पढ़ना है। हाँ मैम। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप टारगेट बनाकर पढ़ते थे। तीसरा सवाल विवेक बच्चे ये है हम आपसे, ठीक है, आपका पूरा नाम तो विवेक आनंद है तो मैं छोटा सा नाम करके बोल रही हूँ, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ ठीक है। तो आप का जो जैसे आप तैयारी कर रहे होंगे और आपकी घर की हालत भी उतनी अच्छी नहीं है, तो तनाव भी आपके लाइफ में रहा होगा कि मतलब पापा ऐसे हैं, मैं घर का सपोर्ट करूं या फिर मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूं, आपके दिमाग में ऐसा सवाल आया होगा, कभी तनाव में भी कभी रहे मुझे होंगे। लगा। हेलो। हाँ हाँ बेटा, आवाज आ रही है? हाँ मैम, कभी कभी मुझे लग रहा था कि पढ़ाई उड़ाई छोड़ के आराम से पापा के साथ में काम करते हैं, क्योंकि घर की स्थिति, पापा तो अकेला कर नहीं सकता था मैम। तो हम सोचे कि पापा के साथ में काम करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं,
सोचते हैं अगर मेरे पापा यही काम करते आ रहे हैं, अगर हम भी यही काम करेंगे तो फिर पापा और हमें क्या फर्क रहेगा, तो पढ़ाई को जारी करते पढ़ाई, रहते। अच्छा पढ़ाई को आपने चुना, तो आप पापा का हाथ भी बटाते हैं या सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं? नहीं मैम, पापा का भी मतलब कि साथ में कभी कभी काम करते हैं। तो ये एक विवेक आप मतलब सभी बच्चों के लिए प्रेरणा है कि अपने पिताजी के इतने जो बिजी काम है, आप एक हलवाई का काम जानते ही होंगे कितना बिजी होता है और लोग सुना भी देते हैं बहुत कुछ, तो अपने पिताजी के काम में हाथ बटाते हुए और बिना किसी सुविधा का खुद से तैयारी करके 12th में प्रथम जो है डिवीजन प्राप्त किया है, तो ये उस बच्चों के लिए प्रेरणा है जिन्हें सब कुछ सारी सुविधाएं मिलती है और सारी सुविधाएं मिलने के बावजूद वो अपने पिताजी के पैसों का दुरुपयोग करते हैं। तो बेटा आप देख लीजिए कि जहां आपके ऊपर इतने सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं फिर भी आप वो नहीं कर पा रहे हैं, और एक बच्चा है जो उस चीज के लिए तरस रहा है, तो सो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप भी अपने जो पेरेंट्स हैं उनका सम्मान करें और जो जिस चीज के लिए आपको जो सुविधाएं मिल रही है उसका उपयोग करके पॉजिटिव उपयोग करें, ठीक है? तो तीसरा सवाल ये रहेगा कि जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा है ना, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है, तो इन सारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मुश्किल या चैलेंजिंग जो सब्जेक्ट रहा है वो कौन सा रहा है? मैम सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री था मैम। केमिस्ट्री था। तो केमिस्ट्री को कैसे आप फिर मतलब चैलेंजिंग लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो किस तरीके से आप प्रिपरेशन किए इसके लिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो प्रॉब्लम होती तो यूट्यूब से है ना, तो यूट्यूब से देख के तब थोड़ा अपना डाउट तो क्लियर पूरा नहीं होता था, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना यूट्यूब से थोड़ा पढ़े थे। अगर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड जो है वो पूरा हो जाता, पूरा सिलेबस अगर प्रॉपर आपको कराया जा जाता तो आप बहुत अच्छा कर सकते थे। मैम मेरा 10th में 81.6% मार्क्स था, वो भी घर से ही मतलब तो कि खुद से पढ़ के लाए थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो ये बच्चे 10th में खुद से पढ़कर 81% जो है हासिल करे थे। बताइए आपकी एग्जाम में एक टाइम ड्यूरेशन होता है और एक लिमिटेशंस होते हैं टाइम में, है ना बेटा? तो मैम एग्जाम बोलिएगा मैम। उस दौरान एग्जाम के दौरान जो टाइम टेबल होता है उसको कैसे आपने मैनेज किया है? मैम एग्जाम में टाइम का बहुत मायने रहता है, उसमें मैम अपना मतलब पूरा 15 मिनट देता है कॉपी पढ़ने के लिए, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के लिए ठीक से, कि सारे प्रश्न 15 मिनट पढ़ लीजिए, उसके बाद 2.5 घंटा देता है बनाने के लिए कि आपका पूरा अच्छा से इतना टाइम में हो जाए। और मैम हम पहले खुद से टेस्ट लेते थे तो मुझे टाइम का उतना प्रभाव नहीं पड़ा मैम। अच्छा, आप मतलब खुद से अपना इवेल्युएशन करते थे, पढ़ाई भी कर रहे हैं और खुद ही अपना टेस्ट ले रहे हैं, है ना? मैम ओके, ये टेस्ट आपकी आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करने में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके ठीक है, तो अगला सवाल आपसे ये है कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है कि मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में, ऐसा कौन सी चीज है? मैम मोटिवेट तो अपना पापा से होते हैं कि पापा ऐसे मतलब कि शादी विवाह में सब खुशी मनाते हैं और मेरे पापा वहाँ काम करते हैं, तो थोड़ा खुद से अंदर से बुरा लगता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन विवेकानंद कुमार जो है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने पिता को मानते हैं, और ऑब्वियसली इनके पिताजी जो हैं वो इनके जीवन के लिए मोटिवेशन के तौर पे हैं क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, रात भर जगना होता है, ठीक है, रात भर जग करके काम करते हैं और अपने बच्चों के लिए फीस का इंतजाम कर पाते हैं। किस कॉलेज में बच्चा पढ़ते हैं आप बेटा? मैम हम अररिया कॉलेज अररिया से इस बार एग्जाम दिए थे। मैम अच्छा, तो ये अररिया कॉलेज अररिया के स्टूडेंट हैं, तो उसमें जो भी फीस है उस फीस को काफी मुश्किल से भरा जाता है, तो इतनी
मेहनत के साथ इनके पिताजी इनके सपनों को एक पंख देने की कोशिश में लगे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि इनके फादर इतना मेहनत कर रहे हैं तो वो इनके मोटिवेशन है, और सबका मोटिवेशन जो है वो घर से ही होना चाहिए, क्योंकि घर से बड़ा मोटिवेशन कहीं नहीं मिल सकता। आप दुनिया भर के मोटिवेशन सुन सकते हैं, संदीप माहेश्वरी के मोटिवेशन सुन सकते हैं, लेकिन वो 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे तक ही मैक्सिमम काम करता है, लेकिन इसके बाद जो है वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो इनर मोटिवेशन होना बहुत ही जरूरी है, आइदर वो आपके पेरेंट्स हो, आप खुद हो, है ना? हाँ मैम, ठीक है। आपके मेंटर और गाइडर कोई रहे हैं? हाँ मैम, MR बेस आप ही तो है। अच्छा, मैं हूँ आपकी मेंटर। चलिए, सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि मैं आपकी मेंटर रही हूँ। और आप मतलब मेरे को कैसे जानते हैं, किसके थ्रू जानते हैं, कहाँ से जानते हैं? मैम हम आपको इंस्टाग्राम से जानते हैं। इंस्टाग्राम में एक वो शॉर्ट देखे थे आपका, तो आपसे मतलब कि मैसेज किए थे, तो आप बताएं मुझे क्या करना है। अच्छा, वाह, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। और अच्छा, आगे आपने 12th पास कर लिया है, और एक बात मैं और बताना चाहूंगी आप सभी को कि ये विवेकानंद जो है वो हिंदी मीडियम का छात्र है, तो जो लैंग्वेज है वो कभी बाधा नहीं बनता। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज जानते हो, हिंदी जानते हो या इंग्लिश जानते हो, लैंग्वेज बाधा नहीं है किसी भी चीज के लिए, कहीं भी सक्सेस पाने के लिए, ठीक है? तो आपको जो भी लैंग्वेज आता है आप उसमें तैयारी करें और अपना बेस्ट दें, तो बेस्ट देंगे तो कोई भी लैंग्वेज आपके लिए बाधा नहीं है। अच्छा बेटा, ये बताइए कि आप आगे चल के फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान है आपका 12th पास करने के बाद? मैम हम आगे नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छा, और डॉक्टर बनना चाहते हैं मैम। अरे वाह, तो विवेकानंद नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, और डॉक्टर बन के अपने सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हैं। हाँ मैम, ठीक है। आप अपने से जूनियर को, यानी कि आपके बाद जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, क्योंकि बेटा आते हैं वो भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? मैम हम उन लोगों को यही बात बोलेंगे कि हमेशा खुद को मोटिवेट रखें, अपने पेरेंट्स का सम्मान करें और उसका जो कार्य करता है उसका साथ में कुछ काम करें जिससे कि उसको भी थोड़ा हेल्प मिले, और खुद को हमेशा मतलब कि गलत डायरेक्शन में जाने ना दें। बहुत बढ़िया, आपने ये जो लास्ट लाइन बोला कि आप अपने आप को गलत डायरेक्शन में ना जाने दें, जब भी आपको लगे ना कि मतलब हम अपने ड्रीम से, अपने रास्ते से भटक रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को याद करें, है ना? तो हाँ आप मैम, अपने ट्रैक पे वापस आ जाएंगे, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और आप अररिया जैसे शहर के एक गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ कोई सुविधा नहीं है, और वहां पे आप खुद से मेहनत करके इतने आगे पहुंचे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप जो है नीट की प्रिपरेशन कीजिए और नीट क्लियर कीजिए, और फिर आपके साथ हम टॉक करेंगे, है ना? और आपके घर भी आएंगे फिर हम मिलने के लिए, ठीक है? हाँ मैम बिल्कुल। हाँ, तो नीट का प्रिपरेशन कीजिए, जहां भी जरूरत हो, जहां भी आपको लगे कि आपको नीड है, वहां आप जरूर कहिएगा, आपको जरूर जो है साथ मिलेगा, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा विवेक कुमार से मिल करके। इसी तरह आप को हम नई नई जो है मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते रहेंगे, और ये भी एक बच्चा है, और आप भी जो सुन रहे हैं, जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो मिलता जुलता रहा होगा। तो आप देखिए कि जब अगर विवेक कुमार कर सकता है तो आप विवेकानंद कुमार कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा बेटा, ये बताइएगा कि आपको डॉक्टर बनने का सपना कहाँ से आया?
मैम, मेरा गांव में एक भैया है ना, तो नीट का तैयारी किया था, तो तो उसका अच्छा उसका अच्छा मार्क्स आया, मार्क्स तो आया। हमसे जब भैया कर सकते तो हम काहे नहीं कर सकते। हम ही डॉक्टर बनेंगे, अपना गांव का अच्छा से सेवा करेंगे। अच्छा चलिए, तो आपके अंदर जो बीज डॉक्टर का आया है वो आपके एक गांव के भैया से आया है। तो देखो बच्चे, गांव के भैया को देखकर वो एक डॉक्टर बना, तो आपके अंदर एक सीड जो है वो गया कि मुझे भी ये करना है। तो आप भी अब दूसरों के लिए सीड बोने का काम कीजिए, कि आप भी जो है प्रिपरेशन कीजिए, सफलता हासिल कीजिए, ताकि दूसरे भी देख के बोले अरे विवेकानंद भैया जब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब वो हाँ इतनी मैम, कम हाँ सुविधाओं में कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। मैम, सही बात बोले आप। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा मिलकर के आपसे, और मेरा आशीर्वाद जो है वो आपके साथ है। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू लविंग विवेकानंद कुमार। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मिलेंगे फिर अगली साल, और पूरे साल अच्छे से मेहनत करना है, नीट के लिए तैयारी करना है। ठीक है, ठीक ठीक है मैम, थैंक है, बाय बाय बच्चे, गुड नाइट, यू मैम। थैंक यू।